हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हो गई है 12 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है। फ्रूट वगैरह खा लिया हमने, चाय पानी पी लिया है और अभी मैं बनाने लग रही हूँ सब्जी। तो लौकी की सब्जी बना रही हूँ आज। और कल है ना, और तो सब जा लिए थे लेकिन मीना बुआ जी को हमने रोक लिया था। पर मीना बुआ जी आज जाएंगी क्योंकि मीना बुआ जी की फुफ्फस बीमार हो रही है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो बुआ जी को है ना रोज़ खाना पहुँचाना पड़ता है। तो बुआ जी बोली अब की बार नहीं रुका जाएगा। हम तो आज भी रोक रहे थे बुआ जी, आज आ जाओ रुक जाओ, लेकिन बुआ जी बोली अब की बार नहीं रुका जाएगा, अगली बार आऊँगी ना फिर रुक जाऊँगी। और सुमन बुआ तो कल ही आई थी, कल ही चली गई क्योंकि सुमन बुआ जी की भी नंदें आई हुई हैं और उम्र है ना ज़्यादा है सुमन बुआ की नंदों की। तो बोली उनसे खाना नहीं बनेगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, इसलिए सुमन बुआ भी चली गई, उनको भी रोक रहे थे हम। और अभी जो ये दोगड़ है ना, मेरे को इसका पानी फूलों वाले पौधे में डाल के आना है। तो आंटी के बाहर कुछ जैसे पौधे लगा रखे हैं आंटी ने, तो उनमें से एक तो फूलों की बेल है, एक फूलों का पौधा है, तो उन्हीं में डाल दूंगी। और अभी फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और अभी खाना पीना हमारा सब हो गया है, मतलब हमने तो खाना खा लिया, मैंने, मम्मी ने और बुआ जी ने, लेकिन सुमित ने नहीं खाया। तो उनके लिए अभी रखा है आटा, रखा है ऐसे सामान छोड़ रखा। पर पहले मैं बर्तन साफ़ करने लगी, मैं जो बर्तन हो रहे हैं वो तो साफ़ कर लूं। और मम्मी और बुआ जी बातें करने लग रही हैं, मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बातें भी सुन रही हूँ साथ साथ में। तो सुमित है ना सुबह सुबह ही चले गए थे, नाना जी को छोड़ने गए हैं। आज मम्मी के पापा और चार भाई हैं ना, तो उनमें से जो तीसरे नंबर वाले चाचा है ना मम्मी के, तो वो गाँव में रहते हैं। और जो सबसे छोटे चाचा हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं अभी, मतलब नाना और नानी दोनों गए हुए हैं। तो अभी ये गांव वाले चाचा जी भी ऑस्ट्रेलिया ही जा रहे हैं, तो सुमित सुबह सुबह एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं उनको। तो एक महीने के बाद नाना नानी दोनों आएंगे वापस, तो ये नाना भी उन्हीं के साथ वापस आ जाएंगे इंडिया, एक महीना घुमाएंगे ऑस्ट्रेलिया। और सुमित को है ना काफ़ी देर हो गई गए हुए, तो अभी आने ही वाले होंगे बस, तो इसीलिए मैंने सारा सामान स्लेप पे ही छोड़ दिया। हम आएंगे ना तो ही रोटी बनाने लग जाऊँगी। और मेरे को है ना एक चीज़ के लिए भी आप सबका धन्यवाद करना था। मैंने है ना अभी जितनी भी वीडियो डाली है ना, तीन चार दिन से जितनी भी कुआ पूजन की मैं वीडियो डाल रही हूँ, सब पे इतने भर भर के कमेंट आ रहे हैं। सब लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से दुआ मांग रहे हैं मेरे लिए। तो उस चीज़ के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और सच में मैं कमेंट पढ़ रही हूँ ना तीन चार दिन से, जो भी कमेंट पढ़ रही हूँ, पढ़ के मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, एक बार तो बस आँखों में से आंसू आने को तो हो जाते हैं पर रोती नहीं, इतना इमोशनल हो जाती हूँ मैं कमेंट पढ़ के। मेरे लिए कितनी दुआएं मांग रहे हैं सब, ये पढ़ के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे को ना एक बार तो ये भी लगने लग गया, अगर मेरी किस्मत में जैसे बच्चा नहीं होगा ना, फिर भी भगवान ये सोचेंगे सब इसके लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी दुआएं मांग रहे हैं, तो इसकी तो गोद जरूर भरनी पड़ेगी, भगवान भी मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात, वो एक डायलॉग है ना, कायनात दिलाने में लग जाती है। तो मेरे लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे को भी अभी ये लगने लग गया अब तो मेरी गोद पक्का भरेगी 101%। तो मेरे को इतना विश्वास हो गया ना आपके कमेंट पढ़ पढ़ के बहुत ही ज़्यादा। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, तय दिल से शुक्रिया। घेवर खा लो, भी घेवर आ गया, नाना जी लेके आए हैं जीन से बनवा के, और नाना जी चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, सुमित छोड़ के आए हैं अभी अभी, सुबह गए थे। सुमित कितने बजे उठे थे, 6:30 बजे उठे थे शायद, है ना, अलार्म भर रहा था छोरा आज तो। बनाओ रोटी, मेरे पे तो कमेंट भी आ रहा था वीडियो पर, सुमित दिखाई नहीं देते, बहुत बिजी हो रहे हैं। हाँ घना मोटा हो गया, सब लग रहे हैं घेवर खाने भी, घेवर बहुत टेस्टी है क्योंकि मीठा चाहिए होगा, हमने तो मीठा ही है की, तो कोई भी चीज़ टेस्टी ना क्या है ना, फिक्का होता तो कोने लागो चबेसक माइके का हो ये बनवाया, और मीठा है, हमने मीठा पसंद आया। चाचा मेरे ऑस्ट्रेलिया गए आज, वो चाचा पहले जा रहे थे, रोटी तो खाई नहीं पर घेवर खा लोगे, घेवर खा लिया और केदे पे गया, फिर घने दिन मिला है ना। हमने घर आए तीन होगी घेवर खाए, हमने कोई भी हम घेवर मोल खरीद के तो लाए नहीं अब तक, वैसे भी ना लिया करो, मीठा बनाए जा, मीठा खान की जरूरत ना पड़ती है खरीदन की, और जो आया है हम खरीद के यो भी नहीं है। मिठाई बहुत कम खरीदा हम, बहुत कम, ये हमें तो हां मिल गई है ना, मेरे ख्याल में पहली बार खरीद के लाए कोई आए तो ना।
हाँ नाम घर पे बना लिया करा, गुलाब जामुन भी घर पे अच्छी लगे भाई। अगली बार आओगे ना बुआ जी फिर बनाऊंगे। हाँ फिर बताना, कल तो बहुत बिजी थे, पूरा ही दिन रात तक बिजी थी, नहीं तो आज भी बना सकू थी, याद भी आ जाता तो कल भी खो देती आटा। चल पड़ी है बुआ जी तो एक बज गया है। बाय बुआ जी, ऑटो आ गई है, बुआ जी की ऑटो बुक कर दिया है एमजी रोड तक, फिर एमजी मेट्रो स्टेशन से और फिर रोहिणी जाएगी बुआ। चलो छोड़ आते हैं बुआ जी को, बैग तैयार हो गया है, छोटा सा बैग ला रही बुआ। कौन बोल रहे हैं? छोटा सा तो ठंडे भरा करो, बढ़ा लेके आते। आ गया 5531 OTP है बुआ जी। अरे ये भी होगा, बता दिए 125 लेंगे पैसे, वो बता देगा मोड़ दे बेटा, मोड़ दे मोड़। ठीक है वैसे जैसे बैग ठीक है बुआ, चलो रखो आ गया तो चप्पल चेंज कर ली। ठीक है ठीक है चलो ठीक है, चलो रखा मैं रखे आऊँगी अगले थे तो। छोड़ाते हैं बुआ जी को, बाय बुआ जी, बाय। 5531 अभी दोपहर का टाइम हुआ है, दोपहर के 1:30 बज गए हैं, काम मेरे सारे निपट चुके हैं और बुआ भी जा चुकी है और मम्मी भी चली गई कीर्तन में नहा धो के रेडी होके। सुमन आंटी है ना तो उनके लड़के का बर्थडे है आज, तो बर्थडे वाले दिन कीर्तन करवा रही है और बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं कैसा हो रखा है। यहाँ तो गुड़गांव में है ना रोज बारिश होती है, कल भी हुई थी सुबह, लेकिन चलो जब हमारा कुआ पूजन था तब नहीं हुई, नहीं तो भीगते हुए जाते। और आज भी बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदे आई हुई है और इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, आज तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, कल तो इतनी गर्मी थी पसीना मतर हो गया, ऐसे टप टप पसीने कर रहे थे मंदिर के अंदर थे ना तब तो इतने पसीने आ रहे सबके, पर आज तो हवा चल रही है एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है मस्त वाला, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं और मम्मी को पैदल ही जाना पड़ा सुमन आंटी के घर कीचड़ में के। तो दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा, देख ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है ना आज, तो बाहर आके और अंदर जाने का मन ही नहीं करता, इतनी ठंड है आज तो जबरदस्त वाली। अभी तो है ना बारिश रुक गई, जब मम्मी गई थी ना तब एक आधी आधी बूंद आ रही थी। चलो मैं अभी अपने और काम कर लेती हूँ, मेरे को कपड़े धोने हैं, हाथ से धोने वाले हैं पीछे रख रख के सारे, एक तो वही जो मैंने कल लहंगा डाला था तो सारा मिट्टी का भर गया ना, कीचड़ इतना हो रखा बारिश होके तो पूरा मिट्टी का भर गया है। और इसको है ना लहंगे को मैं ड्राई क्लीन नहीं करवा रही क्योंकि इतना हैवी लहंगा तो है नहीं, क्योंकि इस पे कैन नहीं लगी हुई, तो इसको इजी वॉश कर लूंगी और फिर कंफर्ट में भिगो दूंगी। तो चलो कपड़े धोना शुरू करते, भिगो के रख देती हूँ पहले थोड़ी देर के लिए क्योंकि मसलना तो ये है नहीं, तो भिगोना ही है, वैसे मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी तो भिगोने से ही उतर जाएगी सारी, तो अभी धो दूं मैं इसको और फिर कंफर्ट में भिगो के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, फिर इतनी बढ़िया खुशबू आएगी ना। और एक बहन है ना, जब मैंने पहले कंफर्ट में कपड़े धोए थे तो एक बहन पूछ रही थी कि कंफर्ट में धोने से क्या कैसे रहते हैं कपड़े, तो एक तो खुशबू आती है बढ़िया सी और एक है ना डैमेज नहीं होते कपड़े ज्यादा, जैसे बार बार सर्फ से साबुन से धोते हैं ना तो वो डैमेज हो जाते हैं थोड़े, उनके रुए निकलने लग जाते हैं, तो जब कंफर्ट से धो देते हैं ना तो वो रुए नहीं निकलते, कपड़े कम डैमेज होते हैं, तो इसीलिए जो जो हैवी सूट है मेरे या फिर लहंगे वगैरह मैं धो देती हूँ ना तो उनको तो जरूर से जरूर कंफर्ट में भिगो के रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसका भी यही काम करने वाली हूँ लहंगे का। फिलहाल तो मैं इसको इजी में डुबो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ भिगो के, और भिगो दिया है मैंने लहंगा, थोड़ी देर भिगे रहने दूंगी, फिर इसको है ना ब्रुश मारी थी मैंने उल्टा करके और नीचे बुकरम लगी हुई ना तो बुकरम पे ब्रुश मार दी थी क्योंकि मिट्टी तो उधर ही ज्यादा लगी हुई थी और कल तो इतना कीचड़ हो रखा था, मैंने हील भी नहीं डाल रखी थी तो इसीलिए ज्यादा मिट्टी लग गई थी। और कई बार क्या होता है मैं ड्राई क्लीन भी करवा लेती इसको, लेकिन कई बार क्या होता है ना मैं ड्राई क्लीन करने देती हूँ अगर किसी का लहंगे का तो नीचे मिट्टी लगी जाती है क्योंकि नीचे होते हैं हमारे लहंगे, तो एक बार मैंने दिया था ड्राई क्लीन करना और उस पर ऐसे ही दाग छोड़ दिए ड्राई क्लीन वाले ने, तो उसके बाद मैंने ये सोचा जिस कपड़े का मेरे को ये होगा ना इसमें से कलर नहीं निकलेगा ये डैमेज नहीं होगा वो तो मैं घर पर ही धो लूँगी, तो इसका भी यही था लहंगे का, इसमें से बिल्कुल कलर नहीं निकला और आराम से धुल गया था। और मैंने इसके नीचे ये कैन कैन की स्कर्ट पहनी थी ना ये भी मैंने धो दी है, ये भी भिगो
के रख दी है। बस अभी थोड़ी देर भी गिरने दूंगी और फिर इसको साफ कर लूँगी। इतनी तेज बारिश आ रही है ना आज, तो पूरा दिन का राउंड बरसा है और बिल्कुल अंधेरा कर रखा। अभी मैंने लाइट जला रखी है, अभी दोपहर का टाइम हुआ है, लेकिन इतना अंधेरा रखा ना जैसे शाम हो गई। अभी दिखाती हूँ आपको बाहर जाके कि तेज़ बारिश कभी तेज़ आ रही कभी धीरे आ रही है, लेकिन पूरा दिन से टप टप कर रखा, कचपच मचा रखी है, जबरदस्त भाई पूरा हो गया कर ना, जड़ला दिया है। ये देखो मौसम का हाल, वैसे तो ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है, पर बारिश कंटिन्यूसली चल रही है भाई, मतलब एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। और सुन्नी गलियाँ हो रही है, कुछ नहीं दिखाई देता हमारी गली में, कोई भी बाहर नहीं निकल रहे, पूरा दिन हो गया राम को बरसते हुए, ऐसा मौसम कर रखा आज तो जबरदस्त वाला। पंखों की भी बिल्कुल दो पे पंखे कर रहे हैं हम, तब भी ठंड लग रही है, ऐसा मौसम हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, अब तो ठंड शुरू हो जाएगी। पर अब की बार मेरे को लग रहा है सारी बार से ज़्यादा बारिश अब की बार हुई है। और ये क्लिप है ना 13 तारीख की थी, 13 तारीख वाले दिन तो है ना गुड़गांव में पूरा ही दिन राम बरसा, कभी तेज़ हो रहा था कभी धीरे हो रहा था, लेकिन पूरा दिन बरसा 13 तारीख को, तो 12 को भी बरसा 11 को भी बरसा, तो गुड़गांव में तो इतनी बारिश करती ना भगवान ने, पूरा गुड़गांव पानी से भर गया। तो चलो अभी इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।